सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे बिहार की उन 12 लोकसभा सीटों के बारे में जहां से मिले सकारात्मक फीडबैक से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव काफी खुश हैं। उन 12 लोकसभा सीटों के बारे में बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव बीते कुछ हफ्तों से बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर फीडबैक लेने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव निजी कार्यक्रम के बहाने ही बिहार के जिलों का दौरा कर रहे हैं। जैसा कि आपने भी देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव बीते कुछ महीनों में गोपालगंज, भोजपुर, छपरा का दौरा कर चुके हैं। वैसे आपको स्पष्ट कर दें कि जिन जिलों में लालू प्रसाद यादव अभी तक नहीं पहुंच सके हैं, उन जिलों में अपने खास लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। वैसे तो जिन जिन सीटों पर लालू प्रसाद यादव ने फीडबैक लिया है, वहाँ महागठबंधन को लेकर सकारात्मक फीडबैक मिला है। हालांकि इनमें से 12 सीटें ऐसी हैं जहाँ लालू प्रसाद यादव को काफी अच्छा फीडबैक मिला है। मतलब कि इन 12 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन इस बार बड़े अंतरों से चुनाव जीतने वाली है। उन 12 लोकसभा सीटों का नाम है सारण, मधेपुरा, पाटलिपुत्र, बांका, काराकाट, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, नालंदा, बक्सर, आरा। वैसे राजनीतिक जानकारों का भी यह मानना है कि इन 12 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन वाकई में बड़े अंतरों से चुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि राजनीतिक जानकार यह मानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुनः महागठबंधन में आ जाने से महागठबंधन जातीय समीकरण के मामले में इन 12 लोकसभा सीटों पर बहुत मजबूत है। वैसे अब देखना दिलचस्प रहेगा कि महागठबंधन इन 12 लोकसभा सीटों पर फीडबैक के अनुरूप प्रदर्शन करती है या नहीं। वैसे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।